दोस्तों, इस श्रृंखला की हर कड़ी वास्तविक चरित्रों और उनके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इनमें ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा कुछ किया कि उदाहरण बन गए। हमने उन वास्तविक चरित्रों के साथ साथ उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को ड्रामा के रूप में पेश किया है। सितंबर 94 में हमारे ज़िले में साक्षरता अभियान प्रोजेक्ट पास हुआ और उसी के साथ हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती थी, जैसे पर्दे वाली महिलाएं हैं, मोमडन्स हैं या राजपूत महिलाएं हैं, वो हमारे साथ नहीं आती थी। हमारे यहाँ झुंझुनू में क्या रिवाज है आमतौर पर कि हमारे मोमडन्स जो ज़्यादा हैं वो लोग उधर नौकरी करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह, इराक, सऊदी अरब, मस्कत। तो यहाँ की लेडीज़ पत्र लिखने के लिए बड़ी परेशान होती रहती हैं। वहाँ से जब चिट्ठी आती है तो वो दूसरों से पढ़वाती थी। पोस्टमैन, क्या क्या आया है? रजिया बानो का घर यही है, आपके मियाँ का खत है। किससे पढ़वाऊं? गांव में तो कोई औरत पढ़ी लिखी है नहीं, क्या पता क्या खबर होगी। 4 महीने में पहला खत है। सब ठीक ठाक हो? सलाम वालेकुम रजिया भी। सलाम वालेकुम। किन ख्यालों में खोई हुई हो? और ये किसकी खत है? उन्हीं का खत है। सब राजी खुशी तो है ना?
अच्छा अब समझी, तभी ख्यालों में इतनी गुम हो कि हमने सलाम किया और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। कब लौट रहे हैं मियाँ? पता नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि खत में लिखा क्या है। क्यों, पढ़वाया नहीं किसी से? किससे पढ़वाऊं, यही तो सोच रही थी। अपने लड़के से पढ़वा लो ना, वो भी तो स्कूल जाता है, वो नहीं पढ़ सकता क्या? पढ़ क्यों नहीं सकता, पढ़ सकता है, चौथी जमात में पढ़ता है वो। फिर क्या दिक्कत है? शोशीना बानो, तुम बेअकल तो नहीं लगती हो? अरे उनका खत है, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। हाँ बहन, ये तो है। ऐसा करो, मैं सलीम को भेज देती हूँ, इधर ही से स्कूल चला जाएगा, तुम उससे खत पढ़वा लेना, वो भी तो चौथी जमात में पढ़ता है। हाँ सलीम को भेज दो, ये ठीक रहेगा। भेज दूंगी। और सुनो, तुम्हारे मियाँ कब लौट रहे हैं? हमें भी बता देना, वो सलीम के अब्बू पूछ रहे थे, वो भी इस बार काम के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है बानो, अभी तो मुझे पता नहीं, 4 महीने में पहला खत है, आने का लिखा होगा तो जरूर बताऊंगी। ठीक है भेज दूंगी। अरे रजिया भी, वो जहूर मियाँ की दुल्हन भी तो शहर की है, वो भी तो पढ़ी लिखी होगी, उससे क्यों नहीं पढ़वा लिया? वो कौन सी पढ़ी लिखी है, बस फैशन कर लेती है, लोग उसे पढ़ा लिखा समझते हैं। मुझे तो लगता है जहूर मियाँ भी धोखा खा गए। अरे मुझे तो पढ़ी लिखी लग रही थी, कैसे बन ठन के रहती है। एक बार जब मैं उसके घर गई थी ना, तो किताब को ऐसे पलट रही थी जैसे पढ़ रही हो। अब छोड़ो भी उसकी बात, तुम जाओ सलीम को जल्दी से भेजो। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पहले कुछ भी नहीं सोचती पढ़ने के बारे में, कि पढ़ने में क्या नुकसान है क्या फायदा है, कुछ भी नहीं सोचती। चलकर खाना भी खाना है या हाथ ही धोते रहोगे, फिर कहोगे देर हो रही है। सलीम की अम्मी, तुम ही तो कहती थी गांव में क्या रखा है, औरों की तरह बाहर क्यों नहीं जाते, और जब जा रहा हूँ तो आप चिड़चिड़ा रही हैं। मैं कहाँ चिड़चिड़ा रही हूँ, खाना ही तो खाने को बोल रही हूँ, वो लोग आ जाएंगे तो शोर मचाओगे। देखो मैं पहली बार घर से बाहर जा रहा हूँ, यहाँ कोई अच्छा काम मिल जाता तो बाहर क्यों जाता? तुम्हारे सारे कपड़े रख दिए हैं, अपना ख्याल रखना और वहां की खबर देते रहना। मेरा मन तो यहीं लगा रहेगा, कभी कभी लगता है तुम्हें छोड़कर प्रदेश जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो, पहली बार जा रहे हो ना, इसलिए मन थोड़ा उदास हो रहा है। अकेला थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, गांव के और लोग भी तो हैं, वो लोग तो जाते ही रहे हैं, उन्हें वहाँ का सब कुछ पता है। शोकतली बता रहा था वहाँ जाते ही काम मिल जाएगा, और पैसे भी अच्छे हैं, और वैसे भी सऊदीया में राजस्थान के मजदूरों के लिए अच्छी पूछ है, जाते ही पैसे जोड़ूंगा और वापिस लौटाऊंगा। वापस आने के बारे में कुछ पता है? हाँ वो बोल तो रहे थे 4 महीने में ही वापस लौटना है। आए नहीं बोलो? आते ही होंगे, तब तक तुम सलीम को उठा लो, जाते जाते एक नजर जरा देख लो, बाद में पूछेगा। नहीं ठहरो, वो रोएगा अच्छा नहीं लगेगा। देखो तुम उसे स्कूल जाने से बंद मत करना। वही तो मेरा सपना है, उसी के लिए तो सब बर्दाश्त कर रही हूँ, थोड़े
से पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो उसे ढंग की तालीम दे सकें। और जानते हो, हमारा सलीम पढ़ने में सबसे अव्वल रहता है। उमर खान, चलो भाई चलो, बाकी लोग स्कूल के पास राह देख रहे हैं, जल्दी झुंझुनू पहुंचना है। आया जी। इसमें तुम्हारे सारे कपड़े रख दिए हैं, इसमें थोड़ी रोटी और अचार भी है, कल का खाना हो जाएगा। सलीम को उठा दूं क्या? नहीं नहीं, सलीम को मत उठाना, वो रोएगा तो मेरा मन भी खराब हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जाओ। सलीम की अम्मी, मैं जा रहा हूँ। महिलाएं पढ़ना नहीं चाहती थी, उनको लगता था कि अब हमें पढ़ के क्या करना है, हम तो 40 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं। तो जब लड़कियां और टीचर्स उनको पढ़ाने जाती थी तो वो कभी कभी तो टॉयलेट में छुप जाती थी और बाहर आने से मना करती थी, बहाने करती थी, बच्चों से कहलवाती थी कि वो घर में नहीं है। हमें लगा इस स्थिति को कैसे दूर किया जाए, तो हमने जिस गाँव में ऐसा ज़्यादा था उन गाँव में अपने कला जत्थे भेजे। हमारी महिला कला जत्थे जाते थे, उनसे निजी संपर्क भी करते थे और अपने नाटक और गीत और उनके माध्यम से भी बात करते थे। इन लोगों के लिए हमने विशेष अलग से एक कार्यक्रम निर्धारित किए, इनके जनप्रतिनिधियों से मिले, लोगों से संपर्क किया, सम्मेलन आयोजित किए, बैठकें आयोजित की, घर घर जाकर के संपर्क किए गए और इनके धर्म गुरुओं से सीधे संपर्क करने पर पीर अली साहब जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे आए। और जब एक धार्मिक व्यक्ति आगे आता है, अपने समुदाय से सीधे संवाद करता है, तो उसका एक बड़ा असर पहुंचता है। लिहाजा मैंने जो है उनकी इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और मैंने ये कहा कि कलेक्टर साहब हमें उसी चीज़ की दावत दे रहे हैं, उसी काम के लिए बुला रहे हैं कि जो हमारे हमारा ख़ानदानी काम है, पढ़ना और पढ़ाना। इसलिए हम उन कलेक्टर साहब और जो दूसरे और लोग थे, जैसे हमारे लियाकत साहब वगैरह और भी हमारे भाई जो थे, उन सब के साथ हम जुड़ गए और जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत पेश आई तो हम उनके साथ जाते रहे। लेकिन पर्दा नशी औरतें पढ़ लिख कर क्या करेंगे, उन्हें तो चूल्हा ही फूकना है। सही फरमाया आपने, और लोग भी यही कहते हैं कि पर्दापोश औरतें पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उनका पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब। सोचिए, जरा सोचिए, वो पढ़ लिख कर क्या करेंगी। मान लीजिए आप परदेश में हैं और आपका खत आता है, तब मुझे बताइए वो बुरका पोश औरत उस खत को कहाँ पढ़वाने ले जाएगी और किससे पढ़वाने ले जाएगी, बोलिए। जी, इसलिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जनाब? जिसे अपना खत को पढ़ ले। जी, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में अपने नबी हजरत मोहम्मद साहब से इरशाद फरमाते हैं, ए नबी, इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, इस बात को जरूर अकल वाले परख सकते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की हदीस है, इतलबुल इल्मा व लुकाना बिस्चीन, अर्थात इल्म हासिल करने के लिए अरब से चीन जाना हो
جاؤ، عرب سے چین دور ہے، یہ حضرت محمد صاحب نے فرمایا ہے. چاہے کتنی دور جانا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، ہمیں جانا چاہیے. کیوں بابا؟ علم بہت بڑی چیز ہے، ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے. علم سے دنیاوی باتیں معلوم ہوتی ہیں، دنیا کو پہچانتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد. یہ تو ہم سب لوگوں کا فرض ہے، اور علم ضروری ہے اس دنیا میں جینے کے لیے. بغیر علم کے انسان اندھا ہے، یہ حضور کا اور اللہ تعالی کا حکم ہے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے کلاکار جو تھے انہوں نے بہت سے گیت بنائے، تو ان میں جو ہمیں اچھے گیت لگے، گیتوں کا آدھار ہم نے لوک گیتوں کو رکھا، تاکہ ہمارا ایک جو آنترک بھاوناتمک جو سمبندھ ہے وہ جنتا سے جڑ سکے. ہمارے یہاں کیا ہے، راجستھان میں جھنجھنو، خاص جھنجھنو ضلع میں گیتوں کا بڑا مہتو ہے. سشینا بانو، آپ ہی کا نام ہے؟ ہاں. آپ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے. آپ یہاں سائن کر دیجئے. مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، میرا بیٹا لکھے گا تو چلے گا؟ اچھا رہنے دیجئے، انگوٹھا ہی لگا دیجئے. یہاں لگا دیجئے. آیا ہے؟ یہ سعودی عرب سے آیا ہے. وہاں کوئی رہتا ہے آپ کا؟ ہاں، میرے وہ سلیم کے ابا. اچھا اچھا اچھا، کام دھندے کے لیے گئے ہوئے. لاؤ، میں ہی لگا دیتی ہوں. میری پیاری سوشینا، تم کیسی ہو؟ یہاں کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. یہ تو ان کی آواز ہے. لیکن جب بھی خالی سمے ملتا ہے تو تمہارے میاں نے خط کی بجائے کیسٹ بھیجی ہے. تمہاری چلو پڑھوانے کا تو جھمیلا نہیں رہے گا، کم سے کم ان کی آواز تو سن لو گی نا. پاس پہنچ جاؤں، راتیں کیسی کرتی ہیں کہ کیا. بہن، کیا میں تمہارا یہ ٹیپ لے جاؤں؟ سن کر لوٹا دوں گی. ہاں ہاں ضرور لے جاؤ، اکیلے میں سننا چاہتی ہو؟ ویسے بھی پتا نہیں کیا کیا بھرا ہوگا اس میں. ویسے امید بھیا بہت چاہتے ہیں تمہیں. اب ہٹو بھی، شام تک لوٹا دوں گی. کوئی بات نہیں، دیکھو یہ ایسے چلتا ہے، ایسے کریں گے تو ٹیپ چل جائے گا، اور اس کو ایسے کریں گے تو ریڈیو، ریڈیو میں گانے بھی آتے ہیں. تم بھی منگوا لو ایک، پچھلی دفعہ یہی لے کر آئے تھے، اب وہ بھی خط کی بجائے کیسٹ بھیج دیتے ہیں. میں بھی اپنی آواز بھر کے بھیج دیتی ہوں، دیکھو اس میں ریکارڈ بھی ہوتا ہے، بس کیسٹ پہ پتہ لکھوانا پڑتا ہے.
अच्छा चलती हूँ। मेरी प्यारी सोशीना, तुम कैसी हो? यहाँ काम तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब भी खाली समय मिलता है तुम्हारे ख्यालों में डूब जाता हूँ। तुम्हारी सूरत आंखों में घूमती रहती है, मन करता है उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। रातें कैसी करती हैं कि क्या कहूँ, क्या तुम भी इतना ही याद करती हो? याद भी आता होगा तो भला तुम क्या कर सकती हो, खत भी तो नहीं लिख सकती। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरी। नहीं, अब मैं पढ़ूंगी। मैं गांव गांव घूम घूम कर लोगों को बताता रहा हूं, इसका कुछ असर भी हो रहा है क्या? आखिर कब तक औरतों की यह हालत रहेगी? औरतों के बिना पढ़े लिखे किसी भी कौम की तरक्की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। अपने मुल्क और सूबे की तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब हम लोग इल्म हासिल करें। मेरी हम वतनों से गुजारिश है, खास तौर से उन मां बहनों से और उन भाइयों से गुजारिश है जो साक्षर नहीं हैं, वो अपने नजदीक के साक्षरता केंद्र में जाएं और पढ़ना लिखना सीखें। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहता हूं, जो बहनें पढ़ी लिखी हैं वो अपनी अनपढ़ बहनों को पढ़ना लिखना सिखाएं, उन्हें आलिम बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे, करेंगे ना आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये गांव ममडन मुस्लिम बहुल गांव है और इसमें शुरुआत में हमें काफ़ी कठिनाई आई पढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने इस सहयोग के लिए गांव चैनपुरा में महिला मंडल की स्थापना की। ममडन कम्युनिटी होने के नाते यहां औरतें बहुत कम पढ़ने लिखने आती थीं। सलाम अलैकुम भाई, मैंने सबको समझा दिया और तुम्हें भी समझा रहा हूं कि तालीम हासिल करने के लिए ज़रूर जाया करोगी, पढ़ोगी लिखोगी तो फ़ायदा रहेगा तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है। हमारा आदमी बाहर चले गया, बाहर जाने के बाद में मैं बीमा की चिट्ठी आती तो मैं कोई को बुला के ले आती, समस्या आती कोई कन पढ़ाती लिखाती तो भी यहाँ दिक्कत होती। मैं सोचे ये पढ़ने में तो फ़ायदा ही है, तो आप जो पढ़ा आप खुद हाथ से लिख के भेजा और खुद पढ़ा, ये बात सोचती दिमाग में से फिर पढ़ने लग गई। फिर मैं लिख की बाँ का खत आया तो मैं बाँस ली हुई, मेरे बहुत बड़ी खुशी हुई कापा ने लिखनो पढ़नो आव लग गयो। फिर मैंने लिख की भेजा तो बाँ का भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि भैया अपने घर से अपनी औरत को हाथ को लिखेड़ो खत आए, तो भी बहुत बड़ी खुशी हुई बाँ का भी। मैं जब सऊदी गया था तब तो मेरे घर वाली अनपढ़ थी और कई दिन बाद जो है मेरे को लेटर मिला लिखा हुआ घर वाली के हाथ का, तो बहुत बड़ी खुशी हुई। बर्ती, हाँ, कॉपी, अच्छा, पेंसिल यही दी। अच्छा, कोई पीछे को तो पढ़ूंगी मैं भी। तो मैं तेरे के लिए झुंझुनू जाऊंगा। अच्छा, और बिछिया भी लाऊंगा। ठीक है, बर्ती के साथ एक सर को के? तेरा के लिए पाती भरतो भी लाऊंगा। अच्छा, जब ठीक है मैं पढ़ लूंगी जब। देख पक्की बात यार। हाँ, पक्की है। तो देख मैं बताऊँ एक गाबा की बात सुन देगी। हाँ सुने, अरे डोलो थारो, अरे डोलो थारो झुंझुनू छू आए बिछिया। Oh, 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 oh,
जो कदम तुमने चले हैं, जो राह तुमने दिखाए, खुलने लगी है आज फिर बंद गली की खिड़कियां, बंद गली की खिड़कियां।